फाइनली आज हमारे यहाँ पे जो मेहमान आ रहे हैं, मैं बड़ा शिद्दत से इंतजार कर रहा था उनका. क्या टैलेंटेड है, क्या डैशिंग, क्या हैंडसम पर्सनैलिटी है. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली. थैंक यू सो मच. नमस्कार पढ़ी है तू तो रोज करता आके नमस्कार नमस्कार नमस्कार. देख जनता देख आज मैं आया हूँ तो हाउसफुल बिल्कुल नहीं भी आता इससे ज्यादा आते हैं. चल मैंने देखा एक कुर्सी पे बंदा दूसरी खाली 50% कैपेसिटी पे परफॉर्म करते रहे मेरे बगैर तुम लोग. अच्छा क्योंकि तेरे से बड़ी बीमारी आई हुई थी इस वजह से हम लोग 50% में परफॉर्म कर रहे थे. तू यहाँ पे कैसे आ गया पहले ये बता मेरे को. तूने इतनी तारीफें करके बुलाया था गेस्ट गेस्ट तूने सुन लिया जो मैंने बोला डैशिंग टैलेंटेड वो नहीं सुना तूने. देखो ये सब सुनूंगा फिर तो मैं इस शो में कभी आ ही नहीं पाऊंगा. करने क्या है तू इधर, क्या मांगता है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, की करना है इत्थे तू. ये सोफा समेत उठवा के बाहर फिंकवा दो. फीचर फिल्म की प्रमोशन करने आया हूं ब्रो. तू जिस भी भगवान को मानता है उसकी कसम खा के बता तेरे फीचर फिल्म वाले हैं. यार फीचर को क्या लेना देना, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. तू एक बार प्रमोशन कर दे मेरी बस, बाहर प्रोड्यूसर्स की लाइन लग जानी है. हाय हाय यार मेरे कॉलेज का दोस्त है इतना नहीं कर सकता. दोस्ती दोस्ती की ना ये बातें बंद कर मैं करता हूँ पहले. जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे उसके प्रिंसिपल का पोता प्रिंसिपल लग गया, ये इस दोस्ती छोड़ ही नहीं रहा. कर क्या रहा इधर. मैं अपनी मेहनत से आया हूँ. अच्छा थोड़ी मेहनत और कर, थोड़ा और आगे निकल. या बच्चन साहब का सेट लगा उनको जाके परेशान कर, हमें क्यों परेशान कर रहा है. नहीं यार मेरा नहीं मन करता कि मैं अपने दोस्तों से आगे निकलूं. मैं चाहता हूं तू निकल, तू देश से आगे निकल, तू श्रीलंका निकल. ओ इतने बड़े शो में काम करता अभी भी मांग ही रहा. ओ मैं पूछ रहा हूँ ये इधर क्या कर रहा है. कह रहा मुझे परमानेंट कर दो. ओए चल निकल. मेरी बात सुन पहले. ओ मेरी इधर कोई नहीं सुनता, तेरी बात मैं खास सुनूं. चल निकल. मेरी बात सुन पहले. हम इधर इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए कर रहे हैं. हम करते हैं और मतलब कपिल शर्मा इधर इतनी मेहनत कर रहा है. मेरी बात सुन, ये अंदर कैसे आ गया. हमने सिक्योरिटी वाले को बोला था ना कि इसको अंदर नहीं आने देना. इसने पक्का मेरा नाम लिया होगा इसलिए इतनी इसको रुका. नहीं 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 है, इतनी इज्जत तो इसकी बाहर है सिक्योरिटी वालों में. अच्छा? कहते जो बंदा आज तक हमारे साथ बैठकर इधर सिक्योरिटी करता था आज अंदर परफॉर्म कर रहा है. देखी फिर मेरी तरक्की देखी तूने. वही तो देखी नहीं जा रही मेरे भाई. देख मुझे ना किसी भी जगह पे जाने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है. मैंने डबल डोज लगवाई हुई है वैक्सीनेशन की. एक डोज और लगवा पंजाब चला जाए वापिस. अर्चना जी हंसो मत, पंजाब में एक कॉमेडियन ने बड़े साल काम नहीं किया था, आजकल सीएम है वहां का. सोच समझ के. अपनी मर्जी से कॉमेडी नहीं करते, तुमसे होती नहीं है. और तुम्हें ये तो ना इसने अपने जो वैक्सीनेशन को ना अचीवमेंट समझ के रखा हुआ है. अच्छा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाकर नौकरियां मांगता है मेरे को. नौकरी भी रख लो. तो मैं तो नौकरी मांग रहा था. ये देखो डॉक्टर से लड़ रहा है जाके. मैं तो सॉरी वैक्सीनेशन एक बाजू पे लगा दी, इस बाजू पे कोरोना हो गया तो. और ये तो और भी बड़ा बेवकूफ है. अपनी वैक्सीनेशन लगवाने गया साथ में टिफिन ले गया, कहता मेरी इधर लगा दो मम्मी पापा की टिफिन में डाल दो. जा यार तुम निकलो इधर से, हम दोनों इधर संभाल लेंगे. किधर निकलो. ओ भाई साहब पासपोर्ट निकल चुका है, मैं आपके साथ अमेरिका जा रहा हूँ शो करने. और रुपीस में तुमसे इधर परफॉर्म होता नहीं है, डॉलरों में तुम उधर जाकर परफॉर्म करोगे. तुम्हारे सूट केस मैं उठा लूंगा, इसका कैंसिल करो. ओ हेलो. अकेले सूट केस ही नहीं होते, उसकी टांगे भी दर्द होती है. चंदू मेरी बात बता. तुझे ठीक है उसका मुंह नहीं अच्छा, पर तेरे को प्रॉब्लम क्या है इससे. प्रॉब्लम क्या, जेलसी यार.
क्यों? वो मेरा कंपटीटर है. कंपटीटर तो मैं भी हूँ. तुम तो टैलेंटेड हो ना. उसका और मेरा टैलेंट सेम है. अच्छा। सेम कैसे है? हाँ। मेरा तेरे से ज्यादा है, इसलिए वहां पे जाके कपिल ने स्पेशली बोला कि शो की ओपनिंग तू करेगा. अच्छा। ओए ये सब बातें बोल के ना हमारे शो कैंसिल ना करवा देना तू. इधर टीवी पे दिखना है ना. हाँ। इधर आके बैठ जा कर, वो तो कुर्सियां खाली हैं. दिखना मैं दास दादा हूँ, उधर बैठ जाऊँ जाके. अपने आप को उनके साथ ना कंपेयर कर. वो शो में परमानेंट है, 8 के 8 एपिसोड में आते हैं. तो शर्म तू कर. वो फोटोग्राफर होके 8 एपिसोड में आ रहे हैं, तू परफॉर्मर होके 4 एपिसोड में आ रहा है. लाना था तेरे पे. मेरा एक्सरसाइज का टाइम हो गया. इतनी बेइज्जती अपने दोस्त की मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. यार हम लोग बचपन के दोस्त हैं. इसी बात का अफसोस है कि मैंने ऐसा दोस्त बनाया. तेरा तो एक है, मेरा देख, मेरे दोनों ऐसे हैं. यार मुझे 15 साल हो गए यहाँ पर आए. मेरी लॉयल्टी देखो. हाँ. मैंने यही दोस्त रखे हैं. हाँ. मेरा कोई भी हाँ. एक्टर दोस्त नहीं है. और मेरा कोई भी दोस्त एक्टर नहीं है. तो यार तुम ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करते क्यों? तेरी बात हो रही है. जब तुम्हें पता है मेरी बात हो रही है, तुम यहाँ लेने क्या आते हो? ऐसा मत कर, ऐसा मत कर. आराम, इसका सर फोड़. ऊपर से तुम इसको अमेरिका भी लेकर जा रहे हो. हाँ तो लाइव शो करता कौन सबसे ज्यादा? मैं ही करता हूँ. ये बड़ी प्रॉब्लम है लाइव शो की. जहाँ 2 बंदों की ऑडियंस देखता है वहाँ लाइव शो करना शुरू हो जाता है. एक बार 4 लोग आ गए इसके शो में, कहता ओ हो ये तो हाउसफुल हो गया. अर्चना ही हाथ दो दिन हुई जिस दिन 6 लोग आ गए, इसने पुलिस स्टेशन फोन कर दिया. आई नीड सिक्योरिटी. इधर तो क्योज मच गया. और जो 6 लोगों के शो में इसने सिक्योरिटी बुलाई ना, इसने इतना गंदा चुटकुला सुनाया, वो 6 लोगों ने गुस्से में 12 लोग बुला लिए इसको पीटने के लिए. ये माइक लेके बाहर चला गया, कहता यहाँ ऑडियंस ज्यादा है. ओ जा यार, बहुत ज्यादा काम खराब है. एक दिन तो बारिश हो रही थी, बारिश में इसने छाता लिया होता, छाते के नीचे 2 लोग आ गए, कहता ओहो माय शो टाइम. ओ माय गॉड. हाय. ओ माय गॉड. हाय हाय. हाल देखो, गर्मियों में मफलर लेके घूम रहा है. अच्छा मैं, जितना मर्जी तुम घूम लो, ये बात साफ है कि हम तीनों में से ना अर्चना सबसे पहले बाहर शो करने मैं गया था. अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यही गया था. बाकी आर्टिस्टों के ना वीजे लगते हैं, इसकी स्क्रिप्ट लगी थी, कहते फनी हो गया तो जाएगा तू. हाँ, ये वीजा लेने गया, कहते तेरे साथ कपिल होगा तो तू जाएगा. यार ये तेरे को कहा था सच नहीं बोलना. नहीं अर्चना जी, ये तो फैक्ट है, हमेशा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए ना आर्टिस्ट को. बिल्कुल. ये तो जब आपको पता, जब पहली बार जहाज में गया ना, तो एयर होस्टेस को जाकर देखकर बोल रहा है कि तो ओहो यहाँ कोई बीमार है, इतनी नर्सें क्यों घूम रही हैं. आपको इसकी मैं बात बताता हूँ. वो फ्लाइट में होती है ना रक्षा जैकेट. हाँ. वो कुर्सी के नीचे होती है. हाँ. ये उसको निकाल कर देखकर बोला, कहता है इसका कलर कोई और नहीं, मेरी टी शर्ट के साथ मैच नहीं कर रहा. जहाज जब ऊपर चला गया ना, तो ऊपर जाके अनाउंसमेंट होती है. हाँ. कि अब आप अपनी बेल्ट खोल सकते हैं. इसने अपनी पैंट की बेल्ट खोल दी. एयर होस्टेस इसको आगे चिढ़ते बड़ा दोनों आपस में, पता नहीं क्यों. हाँ. इसको आगे बोलती है हाउ मे आई हेल्प यू सर, कहता मेरी रोटी चाहे तुम खा लो, इसको सर मत बोलना तुम. कहता छोटी छोटी बातों पे हद है यार. यार बस करो, अभी बस करो अर्चना जी. हाँ जी. हम तीनों ने, वैसे मैं बता दूं, इकट्ठे आए थे लाफ्टर चैलेंज में. 15 साल हो गए इस बात को. इतने अच्छे दिन बिताए ना, ऐसे लगता है जैसे कल की बात. तो वही लाफ्टर चैलेंज रिपीट कर करके देखता रहेगा, तेरे को कल की बात ही लगेगी. 9 साल हो गए हमें हमारे शो को. बात सही है यार, इसको ऑडियंस में क्यों नहीं बिठाता, इतना हंस रहा है. ज़्यादा मत, मैं अर्चना जी इसको इसको बिल्कुल तमीज नहीं है तो बात करने की भी. हाँ. जब से अभी भी देखा ही आपने. हाँ, देखा है. पहली बार लड़की देखने गया. अच्छा. उन्होंने चाय दी, पूछा कि चीनी कितनी लोगे. हाँ. कहता 5 किलो. हाँ, ऊपर से कहता है वो तो आपने पूछा ही चीनी है, नहीं तो वैसे तो हमारा आटा भी खत्म है. अर्चना जी आपको पता है शादी के बाद ना. हाँ. दूल्हा दुल्हन को रोटी पे बुलाते हैं. हाँ. इसको बची हुई रोटी पे बुलाया था. अच्छा जी,
शादी के दिन ही अपनी वाइफ का लहंगा चोली पहन के बैठ गया। कहता सारी मुंह दिखाई, इसको क्यों मिले, मैं भी लूंगा। और इसकी शादी हुई ना जब, पंडित कहता मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी जल्दी दूल्हे को लाओ। दूल्हा आया, कहता देखो मुहूर्त तो और भी आएंगे, दूल्हा को ढंग का लाओ। कहते नहीं, मेरी शादी हो गई बहुत। किसकी शादी की बता ना। मेरी शादी की क्या पता, मेरे तो 36 के 36 गुण मिले थे। 36 गुण जरूर मिले थे, लेकिन शादी में जो बर्तन आए थे उनमें से एक भी नहीं मिला। चार कटोरियां इसकी बुआ ने अपने जूड़े में छिपाई हुई थी। हाँ, बाद में जब जूड़ा खोला पता चला वो भी जूड़ा नहीं, वो पतीला था। एक मिनट, जूड़े में से पतीला, हाँ तो कटोरियां कहाँ गई, पतीले के अंदर। ऊपर से सारे रिश्तेदार ना घोड़ी से जेलस कर रहे हैं। हाँ। कहते हमें नमक के साथ रोटी, घोड़ी को चने। और ये चंदू क्या चंदू लगा रखा है, छोटे से शहर से उठकर मैंने आज देखो कितना बड़ा मकान बनाया है। जोरदार तालियां चंदू के लिए। एक मिनट, मुकाम सिर्फ इसने बनाया है, उसके मुकाम पे सिर्फ इसने ये दुकान बनाई है। यार तेरे को कहा सच नहीं बोलना फिर तू है। जा यार। ये क्या बात है क्या बात हुई, मतलब इसको रखा क्यों तूने? मैंने नहीं रखा, रात को शटर खुला रह जाता है, अंदर आ जाता है मेरा। यार पर जब तुझे पता है कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मैं हूँ, टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे सबसे ज्यादा लैपटॉप तूने बनाया ना, इधर आके बात कर। क्या टेक्नोलॉजी की नॉलेज है यार मुझे ही है। किसकी नॉलेज है तुझे? टेक्नोलॉजी सुना, टेक्नोलॉजी का स्पेलिंग स्पेलिंग सुना, टेक्नोलॉजी है किसके स्पेलिंग सुना, TECHNOLOGY भाई। वाह वेरी गुड। कर बात, देखा इसलिए ये शो में पक्का नहीं हो रहा। क्यों? सारे तो टाइम इसने स्पेलिंग याद करने में व्यस्त कर दिया है। अब जो शशि थरूर है, ओ थरूर नहीं थरूर, शो में पक्का कौन है? मुझे मैं थरूर ही होता है, समझ आई बात? और इससे ज्यादा नॉलेज मुझे कपूर शर्मा, बहुत नॉलेज है तो सच बोल रहा हूं। एक बार टीवी की दुकान पे गया, कहता है 45 इंच का टीवी कितने का? कहते 30,000 का। कहते मेरे पास 3,000 है, 4.5 इंच का दे दो। उन्होंने 6 इंच का थप्पड़ मारा। अब देख लो ना, इसकी एक गाल बड़ी है, लेफ्ट वाली भी ज्यादा बड़ी है। अच्छा फ्रिज खरीद के ले आया घर पे, फ्रिज खरीद, अगले दिन कंप्लेंट करने चला गया, कहता मैंने इसमें पानी रखा, इसने हमारा पानी टाइट कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं, एक बार माइक्रोवेव लेने गया। यार हाथ धो गई है। समझ नहीं आता अर्चना जी, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने खरीदा है। पिछले सारे एपिसोडों में मैं गरीब, आज मैं क्या गूगल का सीईओ बन गया हूँ? अरे सुनो मेरी बात ना, अभी एपिसोड में मेहमानों के आने का टाइम हो गया, तुम लोग दोनों इधर छुप जाओ। पता वो फिर गुस्सा करते, कहते यार ये कैसे लोग बिठा रहे। चल ठीक है, तू शूट बाद में कर लेना, पहले अपन वो अपना अमेरिका वाला प्लान कर ले। यो, करना क्या तुमने वहां जाके? जो तू करेगा ना उससे एक काम ज्यादा ही करूंगा। आसान बात नहीं है 3 सूटकेस को उठाना। ये कहने की बातें होती हैं। वहां लोगों ने हंसने आना, हंसाने की बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, इधर भी तो लोग आए, इधर हंसा के दिखा दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। हाँ तो जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं, तू वो नहीं आए, तू आया है अमेरिका, तूने जाना है, लोग तो उधर रह रहे हैं सालों से, उस हिसाब से बोल। यार मैं करता हूँ एक मिनट। हाँ तो अर्चना जी, तेरे को जब पता है वो नहीं जाने, क्यों चिढ़ा रहा है उनको? मैं अर्चना जी आपसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ शायद। ओए वो पैसे लेकर जाती हैं, तू फ्री में जा रहा है। इनको थोड़ा मैं तैयारी करानी पड़ेगी अर्चना जी। चलो यार चलो तुम दोनों की तैयारी कराऊं। यूएस जाना तुझे, यूएस जाना तुझे, पालमपुर गया कभी? चल चलो चलो। ओए इसकी काय की तैयारी। अर्चना जी आपको पता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी 2017 की एक रिसर्च में बताया कि इंडियंस आर द लेजिएस्ट पीपल ऑन अर्थ। मैं ये बात नहीं मानता, जिस देश की जनसंख्या 150 करोड़ हो गई हो
वो लेजी कैसे हो सकते हैं? थोड़े आलसी हो सकते हैं, कामचोर की मेडिकल स्टोर तक नहीं जाते, वो अलग बात है, पर आलसी नहीं है हम लोग। अच्छा, उस रिसर्च में ये भी कहा गया कि हमारे यहाँ की औरतें जो हैं, हाँ, वो आदमियों से ज्यादा आलसी हैं। मैं इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, एक आदमी कुर्सी से उठा, फटाफट एक औरत आगे बैठ गई। इतनी फुर्तीली हैं हमारे यहाँ की औरतें। हमारे यहाँ की औरतों की एक्टिवनेस का तो यहीं से पता चलता है कि अगर उन्हें शक हो जाए ना कि उनके पति का कुछ ऑफिस में कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, आधी रात को देखना पति के फोन पे अगर रिचार्ज का मैसेज भी आए ना, तो पति सो रहा होता है उसके पहले लपकती उसके फोन पे, ध्यान भी नहीं रखती कि उनका खुद का पैर पति की छाती पे जा रहा है। इतनी फुर्तीली होती है। लेकिन कपिल एक बात बता, ये सारी बातें तुझे कैसे पता है? नहीं देखो, मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन है मेरी वाइफ के साथ, मेरे तो वैसे यहाँ दर्द हो रही है। आलसी आदमी जो रजाई छोड़ के निकलता नहीं सर्दियों में, है ना, ऐसे भी होते हैं, लेकिन उसी आलसी आदमी की आप शादी कर दो दिसंबर में, जितनी मर्जी ठंड पड़ रही हो, मजाल है हनीमून डिले हो जाए। सीरियसली, अगर दिसंबर में शादी हुई तो जनवरी तक खुशखबरी सुना देता है। ओह गॉड, तब उसके पेरेंट्स को पता चलता है हमारा बेटा आलसी नहीं है, नौकरी में मन नहीं लगता इसका, वरना जहां उसका मन लग रहा वहां तो फुर्तीला ही है। अच्छा, जो बच्चे एक्टिव होते हैं ना, फास्ट होते हैं, वो रात को फटाफट सुसु आए माँ बाप को बता देते हैं। जो बच्चे आलसी होते हैं उनका कंट्रोल बड़ा होता है, वो करवटें बदलते रहते हैं, बताते नहीं, है ना। अच्छा, लेकिन माँ भी बड़ी एक्सपर्ट होती है, समझ जाती है कि इसको क्या चाहिए। बच्चे की नींद खराब ना हो, पति की नींद खराब करती है, सुनो गोलू को जाके बाथरूम तक करवा लाओ। तो अगर तो बाप ने फटाफट करवा दिया तो फिर तो ठीक है, अगर बाप ने थोड़ा सा आलस कर दिया तो गोलू जो है वो 8 किलो के गद्दे को कब 12 किलो का कर दे पता भी नहीं चलता। कुछ लोग इतने आलसी होते हैं, जूते पहनने का बड़ा आलस होता है, आप देखना जूते का पिछला हिस्सा जो होता है ना, उसी में पैर डाल के तो इसको मरोड़ देते हैं, खड़ाऊ बना लेते हैं उसकी, ऐसे चलते रहते हैं। ये जूता फिर इनसे बदला लेता है बारिशों के दिनों में, हाँ, ये जैसे जैसे चलते ना तो वो पीछे पीछे पेंटिंग करता जाता है इनके पजामे पे, तो इनका पजामा सामने से व्हाइट रहता है और पीछे से प्रिंटेड हो जाता है। करेक्ट। अच्छा, ऐसा नहीं कि आलस जो होता है सिर्फ इंसानों में ही होता है, जानवर भी बड़े आलसी होते हैं। आप देखना, जो कभी रोड पे से गाड़ी निकलती ना, तो जवान कुत्ते जो होते हैं, नए 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 कुत्ते बने, नए नए पैदा हुए, वो फटाफट गाड़ी के पीछे भागते रहते हैं ना। जो बुड्ढा कुत्ता है जिसने दुनिया देख ली है, वो नहीं उठता, वो ऐसे बैठा रहता है, वो देखता है जवान कुत्ते जा रहे हैं, वो थोड़ा सा भौंकता है, वो समझा रहा होता है कि भाई भौंकने से गाड़ी तुम्हारी नहीं हो जाएगी। कभी कभी बुड्ढा कुत्ता ना छोटे वाले कुत्ते को गाली भी देता है, हट हट। कई बार मुझे लगता है मशीनें भी आलस कर जाती हैं, पता है? अब नया नया टेबल फैन देखो आप, लगे रहते हैं छोटे शहरों में, कितना घूम घूम के हवा देता है, है ना, खुश रहता है वो। यही पंखे को 20 साल हो जाता ना, बुढ़ा हो जाता है पंखा, फिर वो यूं चलता है ना, एक जगह पे जाके अटक जाता है, उसको जो पसंद आ गई बुढ़ापे में उसी को हवा देने लगता है, फिर उसको पकड़ते यहाँ से, फिर यह घुमाना पड़ता है उसको, आलस आ जाता है। अच्छा, मैं आलसी लोगों की बात क्यों कर रहा हूँ, एक तो पता नहीं आपको देखता हूँ ऐसे टॉपिक याद आ जाते मेरे को, मैं भूल ही गया, हमारे यहाँ पे पीछे मेहमान वेट कर रहे हैं, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर आदित्य रॉय कपूर एंड संजना सांघी। जोरदार तालियां आदित्य और संजना के लिए। आदित्य संजना, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। थैंक यू। काफी टाइम हुआ, इसके पहले हम लोग बीसी मिले थे। बीसी क्या? बिफोर कोरोना। अब हम एसी में मिल रहे हैं आफ्टर कोरोना, देखिए। अच्छा, हमने आपकी फिल्म ओम द बैटल विद इन का पोस्टर देखा अर्चना, उसमें आदित्य जो है ये बंदूक से ज्यादा और तोप से कम वाली कोई चीज पकड़ कर बजूका टाइप गन वो लेके खड़े हैं। इससे पहले आपने हमेशा देखा होगा इनके कंधे पे हीरोइन लटकी रहती थी, पहली बार ये बंदूक लेके आ रहे हैं।
आपको किसने बताया कि बंदूक के साथ भी एक्शन होता है? बंदूक के साथ ही एक्शन होता है। उसके पहले जो आप कर रहे थे आशिकी में, उसमें तो बंदूक ही नहीं, बोतल भी थी हाथ में। हाँ, बोतल भी थी। तो अभी मैं सही ट्रैक पे आ गया हूँ। अच्छा, मैंने टीजर देखा, इतना कमाल का, इतना कमाल एक्शन। पहले 3-4 सेकंड मुझे ना रजिस्टर करने में लगे कि आदित्य ही है। इतनी कमाल की बॉडी और सुपर ब्रो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। आपको पता है संजना ने किसी इंटरव्यू में बोला कि इस फिल्म को देखने के बाद लड़कियां आदित्य की दीवानी हो जाएंगी, पहले से ही है। तो आप उन लड़कियों में नहीं आती? मैं? हाँ, मैं। गुड क्वेश्चन। मैं आती ये, तुम ना थोड़ा सा कोई ऐसे जाली वाली लगाओ मुंह के आगे, इतना ग्लो करती ना ये ना, आके ले आ जाती है। पिछली बार भी बोला था आपने सेम। इतना प्यारा बोलती है। आइए आदित्य। अच्छा संजना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपके दोस्त रणबीर कपूर साहब की शादी हो गई, मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। पता है रणबीर ने बीच में कहा था कि अगर शादी से पहले मुझे बैचलर पार्टी करने का मौका मिले और मैं 3 लोगों को बुलाना हो, हाँ, तो उनमें से एक आदित्य होंगे। हाँ। ऐसा उन्होंने बोला था। बुलाया फिर के नहीं? हुआ ही नहीं है पार्टी। आई एम स्टिल वेटिंग, पर अभी तो वो बैचलर रहा नहीं, तो टू लेट। मुझे लगा, मैं कहीं ये तो नहीं 3 कोई लड़कियां बुला के पार्टी कर गया रणबीर, तो बुलाया ही नहीं आपको। पॉसिबल है पार्टी अभी ये नहीं, तो आपको नहीं लगता आपका दोस्त सेटल हो गया है? गर्मी बहुत पड़ रही है, धूप में कहीं आपकी जवानी का कपूर उड़ जाए इससे पहले आप भी सेटल हो जाओ। आपका क्या इरादा है यार दोस्त, जब शादी करते ना अभी समाज का प्रेशर बड़ा आता है। जी जी। एंड ही इज द मोस्ट एलिजिबल बैचलर हमारी कंट्री के, मतलब पर मैं प्रेश... फिल्मों में इतने धोखे खाए ना लड़कियों से इन्होंने कि इनके साथ सिंपथी भी बहुत है। बड़ी सारी लड़कियां जो हैं जी, पर मैं ये प्रेशर नहीं लेता हूं। हां, कपिल की शादी हो गई ना, अब ये सोचते हैं कि हर एलिजिबल बैचलर शादी कर ले, बस सारे कंपटीशन को एलिमिनेट करना चाहते हैं। करेक्ट। So I will not fall for this. Don't fall for this trap. हाँ, मैं हरी में नहीं हूँ कपिल, मैं अपनी टाइम ले रहा हूँ। देखो लड़कियों को compliment, हाँ, glow and all, and you शादी कर लो। हाँ, मेरा glow नहीं है, glow बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, बहुत handsome लग रहे bro, आप मतलब क्या fitness यार, wow। Backstage में मैं आदित्य को बोल रहा था, मैंने कहा जनता एकदम अलग ही अवतार में आपको देखने वाली है, क्या बॉडी और भागते हुए आ रहे हैं, बंदूक लगे, मजा आ गया देख के। जी सर। पर आपको वैसे जैसे एक्शन में बड़ी मेहनत होती है, आपको पता है जो आप 10 सेकंड का एक्शन देखते हो उससे कभी कभी शूट करने में पूरा पूरा दिन निकल जाता है। मेहनत भी बड़ी होती है और सीना भी आता है गर्मी में, स्पेशली अगर आप कहीं कर रहे हो। आपको ज्यादा ये बोलो जो जैकेट वाला जो आपने किया था कि अपने जैकेट डाल लो अंदर जो भी वैसा, तो आपको फिर मतलब ज्यादा इजी मजा किसने आता है? उसमें क्या है ना, रिहर्सल की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। उसमें क्यों नहीं ट्रेनिंग की जरूरत, वो कहां से लिया आपने? सर वो तो मैं मतलब वर्कशॉप में काफी वर्कशॉप्स भी होते हैं ना ऐसे फिल्म। हां, आई एम श्योर। ओह दोस्तों, अब वक्त है स्टेज पे फिल्म से जुड़े दूसरे मेहमानों को आमंत्रित करने का। प्लीज वेलकम प्रोड्यूसर अहमद खान एंड शायरा खान और डायरेक्टर कपिल वर्मा। जोरदार ताली एक बार अहमद भाई, शायरा भाभी और कपिल के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शायरा भाभी, हमेशा ही अहमद भाई अकेले ही आते रहे हैं, इस बार आप साथ आई हैं, तो आप प्रोड्यूसर हैं इसलिए आई हैं? हाँ जी। कि आपको ये सच्ची में चेक करना था कि ये जो बोल के तो जाते हैं घर से, कपिल शर्मा शो पे जा रहा हूँ। आपको बताऊँ ये दूसरी बार ही आए हैं, अगर उससे पहले भी झूठ बोल के कोई डोंट नो। अभी बहुत जल्दी और फिर से वापस आने वाले, आपने बताया अब क्या बना दिया? एक और बन गई फिल्म। अरे वाह। अच्छा, कल ही हीरोपंती 2 रिलीज हुई और कल ही इसका टीजर, वाओ क्या बात है। कोरियोग्राफर भी आप, डायरेक्टर भी आप, प्रोड्यूसर भी आप, पत्नी भी आपकी प्रोड्यूसर। हम कहां भूटान चले जाएं, मैं और अर्चना। आइए प्लीज, बहुत बहुत स्वागत है। कम कम कम। नाइस अहमद, रियली नाइस। अहमद भाई, आप अपनी फिल्मों में हेलीकॉप्टर बड़े तोड़ते हो यार। बचपन में आपको हेलीकॉप्टर नहीं लेके देते थे घर वाले? कि किस बात का गुस्सा है आपको? गुड वन। ओ क्या गुड क्वेश्चन। वो था कि बचपन से ये लगता था कि जो भी बड़ी फिल्म होती थी ना, शान, हाँ, और सब, उसमें हेलीकॉप्टर आता था हमेशा। और जो भी बड़ी फिल्म होती तो लगता था हेलीकॉप्टर उसमें होना चाहिए। तो दिमाग में एक बस सा चुका था कि जब कभी जिंदगी में मौका मिलेगा तो हेलीकॉप्टर जरूर क्रैश करूंगा। तो इसके लिए बागी 2 में 3-4 हेलीकॉप्टर थे, बागी 3 में 8-10 थे। लेकिन वो तो प्रोड्यूसर दूसरा था ना, उसके खर्चे पर थे, यहाँ तो तुम खुद प्रोड्यूसर हो। टेंशन वही था।
तो मैं बोलता था थोड़े कम तोड़ो ना, तो ये लोग बोलते थे ऐसा कैसा तुम्हारा तुम्हारा हाँ। तुम्हारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता। तब एक्चुअली क्या है ना, देखो जब प्लेन होता है या कुछ होता है इट्स वेरी स्टैटिक, उसमें कैरेक्टर नहीं होता, यू चले जाता है। हेलीकॉप्टर सिद्धू पाजी की तरह है, डरना है। तो किस किस की तरह? नहीं सॉरी, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ तो तभी तो वो मुंह में करके चले चले। तो हेलीकॉप्टर लुक्स लाइक अ वेरी ड्रामेटाइज्ड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ग्लैमरस। हेलीकॉप्टर उतरता हुआ हीरो बहुत यस। आज तक देखो हर हीरो हेलीकॉप्टर, विलेन भी हेलीकॉप्टर से उतरेगा, भाड़े का हो लेकिन उतरेगा जरूर। बट अर्चना मैम, I have to give full disclosure. I think I made you lose a lot of money one day on set. Why? Yeah, oh yes. Because so there's this. So Ahmed sir and Kapil had this habit on set, especially with me, where बहुत बड़ा action sequence हो रहा है. वो he'll tell me as if बस दो तीन truck उड़ेंगी, फिर तू gun लेके shoot कर ली. I'm like okay, sounds good. Adi and I are standing in front of a helicopter and it explodes. And as it explodes, I leave Adi's arm and run out of set because I was not ready for that. It was happening like here. A slow motion me. And Adi ko karna hai aisa. हाँ. And धर 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 दो स्कॉर्पियो जाके एक हेलीकॉप्टर में घुसती है और हेलीकॉप्टर टंबल होके ब्लास्ट होता है. Oh. And हमने बोल दिया कि just come. कुछ नहीं सामने ब्लास्ट. संजू just पीछे खड़ी हो जाना. बंदूक ले. संजू has to stand like oh like this. अब वो कपिल वो जब घूमा डूम डूम तो संजू थोड़ी ऐसी हुई. अब शॉट में है, मैं दिखा दूंगा और रशिज में, वहाँ प्लेन सब फुट रहा है और ये ऐसा कर रही है. आधी बेयर बॉडी चिंगारिया बॉडी पे चाह रहा है. सर मैं चल रहा हूँ. आधी हिलना मत. That's true. एक कैमरा पे कपिल, दूसरे कैमरा में डीओपी. बोला चल जा हिलना मत, हेलीकॉप्टर और नहीं है. हम लोग अभी तो मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, पर एक्शन करना बड़ा मुश्किल काम है. मुश्किल है. संजना से भी आपने एक्शन. संजना को मैं जब भी देखता हूँ मेरे को लगता है भगवान ने ना आइसक्रीम के ऊपर होठ नाक कान बना दिए. बड़ी है ना. मैं आपको बताऊं, अहमद भाई शायरा भाभी के प्रोडक्शन, उसका नाम जो है पेपर डॉल. भाभी को देख के समय लगता है कि डॉल. हाँ. मुझे लगता है अगर आप अपने हिसाब से रखते हो तो पेपर वेट होना चाहिए. आपको पता हमारी अर्चना जी भी पेपर वेट है. हाँ, इनके पति जो हैं वो पेपर हैं, फड़फड़ा तो सकते हैं, उड़ नहीं सकते वो. तो बस दैट मींस पेपर की कोई वैल्यू नहीं, उड़ जाएगा अगर हम ना हो तो. अगर हम ना हो. कपिल वर्मा साहब. हाँ जी. पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, बड़ा बेहतरीन काम किया आपने. थैंक यू. अच्छा, मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा, वो कपिल देव साहब के फैन थे. आप मेरे फैन हैं, मतलब आई मीन आपका नाम कैसे पड़ा? सर 1983 में आई वॉज बॉर्न. अच्छा जी. और 10 जुलाई को 10th जुलाई 1983 और 5 जुलाई को वर्ल्ड कप जीते एंड दे केम बैक. अच्छा. और मेरा वो टाइम पे नाम था ओम. अच्छा जी. नहीं. यस. व्हाट? एंड माय डैड वॉक्ड इन एंड से इसका नाम कपिल होगा. वाह. एंड माय मॉम लाइक क्यों, बिकॉज़ माय डैड वाज अ ह्यूज फैन ऑफ कपिल देव. आई हैव नेवर टोल्ड यू गाइस. तो रीजन सेम है. देख लो हमारे दोनों के नाम कपिल पाजी पे. सोचो अगर उस दिन वेस्ट इंडीज जीत जाती. हमारे नाम क्या होते फिर? क्लाइव. हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं कपिल वर्मा, ये एक डायरेक्टर तो अच्छे हैं, कैमरामैन बड़े अच्छे हैं. तो आपने अहमद भाई से ये फिल्म लेने के लिए उनको अपना डायरेक्शन दिखाया कि आपके पास कोई वीडियो वगैरह है इनका? इसके पहले आई हैड मेड अ शॉर्ट फिल्म विद तापसी पन्नू. अच्छा जी. एंड एट दैट पॉइंट मैं ढूंढ रहा था कि यू नो टू गेट अ प्रॉपर ब्रेक. And from nowhere, I get a call from his office. And I went to meet him. And he believed in me because he knows that I come from a background of action and I've shot most of the action film. So, wahan baat hui, hamari discussion hui. Also, my short film was there. He liked my work. Aur wahan se fir cheeze shuruaat hui. Par aapke kaam se dikh bhi raha hai ki yaar, ek legacy hai na, ek pitaji ko sari umar aapne dekha kaam karte hue aur aapke teaser mein dikh raha hai yaar, bada hi kamaal ka banaya. Wow. Thank you. शायरा भाभी, जब आपने कपिल जी को साइन किया एज ए डायरेक्टर, तो आपने इनसे कहा कि ठीक ठीक लगा लो, मेरे पति भी डायरेक्टर हैं, स्टाफ का एक डिस्काउंट होता ही ना.
नहीं, मैंने इनको कुछ भी नहीं बोला. जैसे मेरे हस्बैंड ने इनको चूज किया या जो भी, तो बस मैं हाँ हाँ करके, आई एम अ गुड लिसनर, मैं सुन सकती हूँ, मैं स्टोरी सुनती हूँ, तो आई गिव अ गुड ईयर टू दैट. अहमद भाई को भी सुनती हैं आप आराम से? हाँ, बहुत. इतनी अच्छी बीवी है, कसम खुदा की. वी आर मैरिड, जब हम बच्चे थे, ये 18 थी, मैं 22 था. Really? अच्छा. Yeah. Wow, God bless. So, she's such a nice listener and ये मिस बॉम्बे थी. Wow. When she was 18 years old. अच्छा. तो इनको काफी ऑफर आए थे. शूटिंग पे एक दिन मिल गई मुझे, फ्रेंड के साथ आई थी. उस टाइम रेमो मेरा असिस्टेंट था. अच्छा. मतलब भाग पकड़ नंबर ले, नंबर ले रेमो. एंड शी गिव द रॉन्ग नंबर. ये धना धन लगा रहे उसमें. अच्छा. फिर वहां से कॉन्टैक्ट. अब मैं बोला सालो एक नंबर नहीं ला पाए. एक और असिस्टेंट था मेरा उमेश, लॉन्जी वॉन्जी जो कोरियोग्राफर, सब असिस्टेंट थे मेरे. अच्छा. भीड़ थी कोरियोग्राफर की मेरे पास, जहाँ सब खुले हुए मार्केट में, मुझे ही लूट रहे. सो तो कैसा, एक फ्रेंड थी जो मॉडल थी, उसने नंबर लिया. अच्छा. तो मैं फोन किया एंड आई सेड यू नो हु आई एम. तो बोलती या आई सॉ इन द शूटिंग दैट डे, व्हाट डू यू डू. और मेरे पास फिल्मफेयर अवार्ड सब था. सब वैल्यू खत्म. एंड आई सेड यार ये अगर हाथ से निकल गई ना तो गेम ओवर है. तो हाँ, तो आई सेड नहीं यार, क्योंकि मेरा ढक्कन उड़ गया था फर्स्ट डे जब देखा था. एंड आई टोल्ड कि अच्छा मुझे नहीं पता था आप इतने चालू हो अहमद भाई. पूरा इंटेंस वाला इश्क है कपिल. द ओनली टाइम आई बिकेम चालू टू ग्रैब समथिंग व्हिच इज पीछे पड़ गया आप. पड़ गया तो मैं बोला प्लीज. एंड मुझे नहीं पता उस साइड भी स्टोरी हुई थी. क्या क्या के फुल ऑन शी वाज आल्सो ओके. उसका कंफ्यूज एक्सप्रेशन से मालूम पड़ रहा है शायरा डज नॉट एग्री विद यू. व्हाट फुल ऑन यू नॉट फॉर मी. या ऑफ कोर्स. हां बोलो, हां बोलो. नो देन आई टोल्ड हर के लिसन आई डोंट लाइक दिस गोइंग अराउंड एंड ऑल द स्टफ. शादी करते हैं. अच्छा. वाओ. राइट इन द स्टार्ट स्ट्रेट. या द फर्स्ट. वाओ. And she's saying, I'm 18, I need to do this, I need to do modeling. I said, you do it, फिर उसके बाद करते. अच्छा. She called me in 2 hours, let's get married. Hmm. Yeah. लोग हाथ धो के पीछे पड़ते हैं, आप नहा धो के पीछे पड़ते हैं. वाह. And in 6 months we were married. And by the grace of Almighty, 24 years हो गए हैं. Oh my God. क्या बात है. That's good. अच्छा अहमद भाई, आपने बागी 2, 3 फिर हीरोपंती 2 जैसी बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में डायरेक्ट की हैं. जब घर की बारी आई, भाभी प्रोड्यूसर हैं, अब आपने क्यों नहीं किया? आपको शक था कि घर की मुर्गी दाल बराबर बीवी पैसे नहीं देगी, क्या आपके दिमाग में आया? आपने क्यों नहीं लिया इनको डायरेक्टर? नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कपिल सर, बड़ा अच्छा किया है, पर फिर भाभी बहुत खर्चा कराते हैं, तो सोचा हम कपिल को ले लें. कैन अफोर्ड अहमद एज अ डायरेक्टर, है ना? एक्चुअली पेपर डॉल कैन नॉट अफोर्ड अहमद राइट नाउ. अच्छा आदित्य, एक बात बताओ, जैसे इसमें भरपूर एक्शन आपका देखने को मिला हमें टीजर में, रोमांस वाला कोई एक सीन भी नहीं हमें दिखा अभी तक. आपने कहा नहीं अहमद भाई, क्योंकि थोड़ा गन वन बहुत भारी है, थोड़ा रोमांस थोड़ा बराबर करो ऐसे, क्योंकि एक आदत तो लगी है ना आपको रोमांस. कहा था, कहा था, पर सर ने एक्चुअली मना कर दिया. सीक्वल में डाल देंगे सर, पार्ट 2. पार्ट 2. अच्छा. अंदर मन में चाह है आपके, करना है अभी, वो तो रह गया. ऑलवेज ढीठ होना पड़ता है अपने प्यार. क्या बात है, आज सब मेरे फेवरेट लोग एक बार जोरदार तालियां हो जाए. आई लव यू. ये लीजिए सर, मिठाई खाइए. आज किस खुशी में मिठाई खिला रही है? अरे एक मिनट पहले खाइए तो सही. लीजिए लीजिए, आप लोग सब लोग लीजिए. थैंक यू. देखना देखते नहीं खाएगा. कैसे आप? वेरी गुड. आप कैसे हैं? खाइए खाइए. ये किस खुशी में है? अरे कप्पू मेरा छावा है ना मुकेश. हाँ. हाँ. उसका एक्सीडेंट हो गया है. हाँ. तेरा दिमाग खराब है, एक्सीडेंट होने में कौन मिठाई खिलाता है? अरे उसका एक्सीडेंट हुआ ना तो सरकार की तरफ से मुआवजा मिला है. मैं सच्ची बोलती इतनी खुश हूँ मैं, बड़े दिनों बाद हमारे घर पे पैसे आए हैं. मुकेश तो रोज ही आता है, पैसे आने जरूरी है. खैर क्या बात है अहमद सर, क्या बात है. सच्ची में कितना मेहनत करते हैं ना. बहुत. एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, कोरियोग्राफर हैं, जज हैं. हाँ तो? तो एक बार मन बना के आप इधर ही सेटल क्यों नहीं हो जाते. चलो ये तो मजाक की बात रहती है सर, ये तो हम लोग ऐसे ही जोक्स करते मस्ती करते. लेकिन सर आते रहा करो, बहुत अच्छा लगता है.
थैंक यू आप लोगों को, हम लोग तो हर हफ्ते आते थे। खैर इनकी पिक्चर होम द बैटल विद इन के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं सच्ची बोलती हूँ, क्या कास्टिंग है आपकी। मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ आप लोग की। हाँ सच्ची, आदित्य की मैं पिक्चर देखी थी, वो आशिकी 2। हाँ उसमें आपको पीने का बहुत शौक रहता है ना। आपको मालूम है हमारी अर्चना जी को भी पीने का बहुत शौक है। मैं मजाक नहीं कर रही, जैसे आप लोगों के घर पे दम आलू बनते हैं ना, इनके घर पे रम आलू बनते हैं। और आपकी ये पिक्चर आ रही है द बैटल विद इन, आप उधर जाके देखो, उधर बॉटल विद इन ही रख रहे हो। द बॉटल विद इन, हे राक्षसों जैसे दिखने वाली औरत, करने क्या आई इधर। मैं इधर सबको लाइफ के टिप्स देने के लिए आई हूँ। हाँ अभी आदित्य जी और संजना जी, आप दोनों की नई नई शादी हुई है ना। इनकी शादी कहाँ हुई है? वही तो मैं बोल रही हूँ, आपकी शादी नहीं हुई है ना। और आपकी भी शादी नहीं हुई है ना। तो आप दोनों की नई नई शादी हुई है ना। नहीं हुई है ना। हाँ तो ये जो टिप है ये शादी शुदा लोगों के लिए है। तू कैसे देगी टिप्स, तेरी तो खुद की शादी नहीं हुई। मुर्गी आमलेट खाती है क्या? नहीं, लेकिन अंडे देती है ना। तो मैं भी टिप दूंगी, उसमें कुछ नहीं रहता है, टिप देने में क्या प्रॉब्लम है। अभी संजना जी देखो, फ्यूचर में आपकी शादी होगी, तो कभी भी जैसा घर का कोई प्रॉब्लम होता है, कोई अनबन हो जाए हस्बैंड के साथ, कभी ऐसा कभी भी ना उसको चीज को पब्लिक में मत लाना। क्यों? उनको क्यों बता रही है? क्यों? अरे जरूरी है ना, क्योंकि अब ये लफड़ा भार लेकर आए ना, बैटल विद इन। अब ये विद इन का भार ला, इसीलिए मैं बता रही थी। खैर शायरा जी और अहमद जी भी बहुत अच्छे कपल है, तो मैं आपको भी एक टिप देना चाहूंगी, इससे प्यार बढ़ता है। जी बोलिए। कभी भी आप घर से बाहर निकले ना जी, तो आपका जो डोर मैट रहता है ना, उसके नीचे अपनी घर की चाबी रखने का और काम पे जाने का, इससे प्यार बहुत बढ़ेगा। मतलब? चाबी रखने से प्यार कैसे बढ़ेगा? नहीं नहीं, इनका प्यार नहीं बढ़ेगा, मेरा और मेरे छावे का प्यार बढ़ेगा। हाँ क्योंकि हमारे पास घर नहीं है ना, तो आपके घर पे आके हम लोग बातचीत करेंगे, ऐसा मैं बोल रही हूँ। अपने छावे के घर जाके मिलना उसको। अरे उसका घर होता तो मैं उससे शादी नहीं कर लेती, बड़ी प्रॉब्लम होती है। और आजकल मुंबई में घर रहना आपको तो मालूम है कितना टेंशन रहता है ना। हाँ। लोन लेना पड़ता है, और लोन बहुत खराब चीज है बाबा, एक बार लोन ले लो ना तो आदमी अलोन हो जाता है। हाँ मैं सच्ची बोलती हूँ। अभी देखो मैं, मेरे पापा ने लोन लिया, मैं अकेली लड़की हूँ उनकी, क्योंकि उसके बाद टाइम ही नहीं मिला उनको। एक बार जो लोन ले लेना बाबा, तो फिर उसका ध्यान हमेशा किस्तों में रहता है, रिश्तों में नहीं रहता। सर पैसे से याद आया, मेरे को ना बिस्किट का पैकेट लेना था, तो मेरे को 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। 1 करोड़ का कौन सा बिस्किट का पैकेट आता है? अरे गोल्ड का बिस्किट का पैकेट लेना था ना बाबा। गोल्ड के बिस्किट का क्या करेगी तू? अरे गुरु कोस बिस्किट गिरवी रखने जाओ ना, तो वो गिरवी से पहले अपने मुंह में रखते हो लोग, तो इसलिए मेरे को वो लेने का। गिरवी रखना क्यों है? सारी चीजें आज ही बता दू, सारा कंटेंट मेरा खत्म कर दे तू आज ही। आगे भी तो एपिसोड करने है कप्पू हमको, अगले हफ्ते इनको फिर से आना है। सही बात है सर। तो सर अगले हफ्ते इधर वापस आने के लिए आप कौन सी फिल्म बना रहे? अभी हीरोपंती हो गई है, अभी ओम हो जाएगी, एंड फिर ओम नमः शिवाय। मैं तो दुआ करती हूँ आपकी सारी पिक्चर हिट हो, दिल से बोलती हूँ। मैं सच्ची बोलती हूँ, अहमद सर है ना मेरे को बहुत प्यार करते हैं, यू नो आदित्य बहुत ही लव मी सच्ची में। मैं एक कॉल कर दूँ ना, आधी रात को मेरे घर पे आ जाते हैं। ये बात तो तूने पिछले हफ्ते ही बोली थी। पिछले हफ्ते भाभी जी कहाँ आई थी? आग लगा रही है उनके घर में। अरे भाभी जी मैं सच्ची बोलती हूँ, आज आ पाए हो ना तो बताना बहुत जरूरी है। मैं एक कॉल कर दूँ ना, आधी रात को मेरे घर पे आ जाते हैं। लेकिन मेरे को आपको पूछना था, कॉल तो मैं इनको दिन में करती हूँ, पता नहीं आधी रात में क्यों घर पे आती है, मेरे को समझ में नहीं आता। एनीवे सपना, मैं आपके सर पे लोन नहीं है ना, इसीलिए। ये क्या कर रही तू इधर आके उलझुल हरकतें? चुगली चुगली कर रही। मैंने इतनी बार बोला, एक फिल्म में एक रोल नहीं दिया इन्होंने मेरे को आज तक। सपना नेक्स्ट फिल्म पक्का पक्का कंफर्म डन, ऐसा सब बोल के जाते हैं बाद में गाड़ी में गाया। आई एम कंफर्मिंग दिस। प्रोड्यूसर कंफर्म कर लेना, लेकिन डायरेक्टर को भी पटा के रखना चाहिए। क्या बात है, कपिल वर्मा के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। आज कितना अच्छा लग रहा है ना।
कपिल वर्मा कपिल शर्मा के शो पे अपनी फिल्म लेकर आए हैं। मैं तो बस मैं आपको बताऊं, मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूं कि जब कपिल वर्मा कपिल शर्मा को अपनी फिल्म में लेकर आए। चाहिए तू बड़ा फेवर कर रही मेरा आज। हाँ, क्योंकि मेरी दाल नहीं गली ना, तो तेरे लिए ट्राई कर रही हूं। सपना, अरे तुझे बोलना भूल गया मैं। गेट आउट, निकल यहां से, तंग कर रही मेहमानों को। नहीं नहीं, मैं तो काम के लिए आई थी जी। मेरे को कुछ काम दो ना सर, फिल्म लाइन में आप लोग तो इतना काम करते हैं। मेरा ना वो पार्लर है ना, तो मैं मेकअप का भी काम करती हूँ, हेयर ड्रेसिंग का भी काम करती हूँ। बहुत लोगों के साथ किया मैंने हॉलीवुड में। हाँ, हाँ, वो आपके हीरो है ना, विन डीजल। हाँ, मैं उनकी हेयर ड्रेसर थी। उसके तो बाल ही नहीं है। हाँ, तो कहाँ से होंगे, जब से डीजल महंगा हुआ है वो सोच सोच के उनके सब बाल चले गए, सब प्रॉब्लम है। लेकिन आदित्य, आप मेरे को ना काम दे सकते हैं मेकअप के लिए। ओके। हाँ, बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ मैं। डन। मैं ना आपको डेमो दिखाती हूँ। डन, ट्रायल करते हैं। हाँ, मैंने एक बंदे का मेकअप किया है, हमारे स्पॉट दादा है हमारे। ओके। तो आप देख लो उनको, आपको पता चलेगा कि मेकअप में सही करते। किधर है दादा? ये आया पकिया। ये आया पकिया। अरे क्या बात है, आजा आजा सर। पकिया की एंट्री देखो, जैसे ऑस्कर लेने आया। सर ये हमारा मलाड का मिथुन चक्रवर्ती। लेकिन एक चीज है सर, आप इसके हाथ की चाय पी के देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। हाँ, चाय में उंगली? ये कप में नहीं डालता, हाथ में डालते ना, ऐसे चाटनी करते। नहीं सच्ची में, अगर पत्ती खत्म हो जाए ना, ये कमाल है। ये ऐसा गुस्से से देख लेना चाय को, पक जाती है, अपना रंग बदल देती है। और उंगली डाल दे तो कैपेचिनो। खैर ये बहुत अच्छा है। सर अहमद सर आए हैं, डायरेक्टर है। बहुत बहुत चाय पी है। हाँ, पक्या की हाथ की, पक्या के हाथ की पी है ना। आज डायलॉग भी बोल के दिखा, हो सकते तेरे को फिल्म में ले लें। ए तेरी जात के बजा मारू, क्या बोलता है ये सर? बेटा लग तो ऐसा रहा है कि तेरा बैदा कोई पहले से मार चुका है, क्या कर रहा है? लेकिन जो भी है, हमारे स्पॉट दादा, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। हम बहुत अच्छा लगा पकिया, थैंक यू। जाओ जाओ, थैंक यू। हाँ, बाय पकिया, बाय। चलो मैं चलती हूँ। वो भी मालूम है ना आपको, मैं हमेशा जाते जाते बोलती हूँ कि पिछले हफ्ते हमारे वो आए थे, वो कुछ छोड़ गए। हाँ, तो पिछले हफ्ते हमारे शो पे अहमद खान जी आए थे, फिर वो कुछ भी छोड़ के नहीं गए, खुद को छोड़ गए। चलो ना सर, क्या कर सकते। खैर इनकी पिक्चर ओम द बैटल विद इन के लिए एक बार जोरदार ताली, कमाल का। और मैं दिल से दुआ करती हूँ, सुपर हिट है। आइए अब करते हैं उन पिक्चरों का अध्ययन, उन कमेंट्स का जो आपके फैंस जो हैं आपके इंस्टाग्राम पे लिखते हैं या ट्विटर पे लिखते हैं। हाँ, जी। ये आदित्य ने फोटो डाला है प्लान बी, पर झाड़ू मारने का, ये कहाँ की फोटो है आदित्य? ये कोरोना के अर्ली डेज में थी, व्हेन आई फेल्ट कि लॉकडाउन नया नया चालू हुआ था एंड There was no other work, so I said plan B. तो ये है एक skill. आइए राज साहब comments देखते हैं plan B के पीछे क्या है। आपका होगा plan B, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा तो A B C सब यही है। अरे बाप रे। इससे अच्छा एक बकरी पाल लो, पत्ते अपने आप खा जाएगी। किसी ने reply किया, और पत्ते खा के बकरी जो काले मोती गिराएगी। यार लोग क्या डिटेलिंग में जाते हैं, और दिखाइए। काले मोती। सर अगर आप इस झाड़ू पे बैठ जाओ तो कानपुर के हैरी पॉटर लगे। और दिखाइए। और जब से हम पढ़ने लगे ना तो लोग लिखते भी ऐसे हैं। हाँ, तो नेगेटिव कमेंट आजकल बड़े कम हो गए हैं। संजना ने ये फोटो डाला है, ए लिटिल लॉस्ट एंड मच फाउंड इन डिस्टेंट लैंड्स। आइए कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे। ओह गॉड, ये आदमी तो शीशा देख के भी बाल नहीं बना सकता। रिप्लाई किया किसने, इसको बोलो माली से बाल कटवाए, सैलून वाले के बस का तो रहा नहीं। इस आदमी को देखकर लग रहा है कि इराक से तेल सीधा इसके सर पे ही सप्लाई होता है। सारे उसी पे लिखे हैं किसने, इस आदमी ने बाल रखे हुए हैं या बालों ने आदमी को रखा हुआ है। जिसने सर पे मफलर बांधा है ऐसा लग रहा है नींबू चाट के खड़ा है।
और दिखाइए कमेंट. भाभी अहमद भाई तो है नहीं इंस्टाग्राम पे, तो ये वाला अकाउंट कौन हैंडल करता है आपका? हाँ. जो आपने टैग किया है खान अहमद, ये एक टीम है, वो लोग सारा कंटेंट बेसिकली हम ही है, हमारी एक टीम है, हम ही सब हैंडल. अहमद भाई तो एक्टिव नहीं रहते? नहीं, वो एक्टिव नहीं है कोई भी सोशल मीडिया का. ना बड़ी टीम एक आदमी की. देयर अ ह्यूज टीम. यस माय ब्लॉकबस्टर हस फ्रेंड, हस्बैंड एंड फ्रेंड. वाओ दिखाइए नीचे कमेंट्स. अहमद भी लाइक, पहले मुझे प्यार से पेंगुइन बोलती थी, आज असली दिखा तो मुझे भूल गई. इस पेंगुइन ने अपना मुंह दूसरी तरफ किया हुआ है, जरूर ये प्याज खा के बैठा है. ये पेंगुइन इनसे नाराज होकर बैठा है, लगता है इसका रोल भी इन्होंने टाइगर को दे दिया. शायद पेंगुइन की वाइफ कहीं आसपास है इसलिए ऑकवर्ड फील कर रहा है. ये असली है पेंगुइन भाभी? हाँ असली है. छोटा नहीं है ज्यादा? दिखाया. अच्छा बच्चा ही होगा. और दिखाइए. ये कहाँ की फोटो है? भूतों की पार्टी हो रही. अब वेरी ओन दफा कर पार्टी हीरो पंती टू. दिखाइए कमेंट्स. लॉकडाउन में ब्यूटी पार्लर बंद होने के बाद लगता है भूतों की सेल लगी है. हस्बैंड को कैसे डराएं भूतों से सीखते हुए. और दिखाइए. वर्मा जी ये तो अलग ही रूप दिखा दिया आपने. अरे हैं, कैमरे के पीछे रह के सिक्स पैक ऐप बनाए हैं आपने, सामने आते तो आप तो यहां तक बना लेते. दिखाइए कमेंट्स. अच्छा हुआ आपने मफलर पहन लिया वरना ठंड लग जाती. आपके ऐप देख के याद आया मुझे मम्मी ने पाव लाने के लिए बोला था. थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग. नाइस. मैं जब गोवा गया था वो भी सब कुछ ले गई थी, बस मफलर छोड़ गई थी. और आगे. ओह गॉड. लड़की के सामने बाइक के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, उसके जाते ही टांगा चलाएंगे. इनके दर्जी ने पीछे वाली जेब भी आगे लगा दी. और दिखाइए. फार्म डॉग आदित्य रॉय कपूर. ये भी लॉकडाउन की पिक्चर है सर. लॉकडाउन झाड़ू मारने के बाद. हाँ. दिखाइए कमेंट्स. इनकी थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी, अब ये अपनी बकरियां ढूंढ रहे हैं. गुड वन, गुड वन. सुबह सुबह बैठने की जगह ढूंढता हुआ आदमी. किसी लगा देख के बैठना, यहाँ सांप भी निकलते हैं. लठ लेके पिछली फिल्म के डायरेक्टर को ढूंढते हुए. और दिखाइए. ओह गॉड. बीइंग ऑन अ जर्नी ऑफ फाइंडिंग योरसेल्फ व्हाइल प्लेइंग एंड लिविंग लाइव्स ऑफ अदर पीपल. दैट्स ब्यूटीफुल. ये कहाँ से आते हैं आप इतने कैप्शन? कहाँ से? हम लड़कों के मन में नहीं आते ज़्यादा. She's very good with it. वो देख लो आदित्य ने लिखा फार्म डॉग, बस बात खत्म. ये इतना लंबा लिख दिया ऊपर हैशटैग भी नहीं बोलते. I wanted to be a writer यार in life. मैंने जर्नलिज्म किया था कॉलेज में, तो अब मैं सब भड़ास कैप्शंस में निकालती हूँ. वाह, आवाज भी आपकी कितनी मजेदार है. कमेंट्स दिखाइए. जब डिस्काउंट सुनकर दुकान खुलने से पहले ही पहुंच जाओ. फन फैक्ट, बिस्तर पे एक टांग लटका के सो तो वो लंबी हो जाती है. मुझे आपकी एक टांग लंबी दिख रही है. शटर के आगे ऐसी खूबसूरत लड़कियां ही अच्छी लगती हैं. हम जैसे बैठ जाएं तो ऐसा लगता है जैसे ठेका खुलने का वेट कर रहे हैं. और दिखाइए. ये तो बेस्ट है. अदित्य, हमने आपके बारे में एक बात सुनी है कि लंदन ड्रीम्स की शूटिंग के दौरान सलमान भाई ने आपको कुछ डेयरिंग काम बोला, किसी लड़की को कुछ पूछने के लिए बोला. अच्छा. और ऐसा पूछने के लिए बोला कि मतलब मार भी पड़ सकती थी उस चक्कर में. क्या पूछा था आपने? एक्चुअली सलमान सर शाउटेड एट मी ऑन माय फर्स्ट डे ऑफ शूट. एक्चुअली मैं लाइफ ऑन फिल्म माय फर्स्ट डायलॉग एवर सेड आई हैड टू शाउट एट सलमान भाई एंड ही वाज इन अ हॉस्पिटल बेड. तो वो लेट गए थे एंड ही पुट द कंबल ऑन हिमसेल्फ एंड ही एक्टेड एज इफ ही स्नोरिंग. So I had to shout out, what are you doing? And you spoiled our whole future. And London Dreams, we were supposed to be a band. So I shouted at him. I gave my best. And I really shouted at him. And he opened his eyes and says, kya hai be? Zyada bol raha hai. Sorry. So, yeh hua tha. Okay.
अरे संजना का एक भाई गूगल में काम करता है. ओहो. आपने कभी उनसे पूछा ये जो नेविगेशन वाली लड़की कैसी दिखती है? रोज हमें रास्ता बताती है, हमने देखा नहीं कभी. और एक ही लड़की होती ड्यूटी पे. हाँ सर, वो ही सिलेक्ट करता है उन लड़कियों को. अच्छा. हाँ, तो he does a little bit of a test in person. ये natural आपकी आवाज ऐसी है कि आप ऐसे बना के बोलती हैं. सर कैसे बनाऊं? बड़ी बड़ी खूबसूरत आवाज है. नहीं कई बार ऐसे बोल रहे थे, नॉर्मल लड़के बोलते हैं जब बात करने लगते हैं तो फिर ऐसे जानबूझ के भी. I was going through this, just thought to drop you and say you hi. बाद में जो है गाड़ी निकाल ला ऐसे भी होती है कभी. कई हीरो लोग ज्यादा करते हैं. अहमद भाई ने शायरा भाभी को बैटमैन वाली गाड़ी कुछ तो कस्टमाइज करवा के दिया आपने. यार वो क्या गाड़ी है. तो भाभी को ऐसे बैटमैन फिल्म पसंद है ऐसे इसलिए. हाँ, तो कभी भाभी को खुश करने के लिए गाड़ी दी है कि कभी बैटमैन भी बने हो खुद? घर में उल्टा लटकते ना बैटमैन. घर में मुझे सब बना देती, माधुरी दीक्षित एंड कभी सरोज जी. By the way, sab. You have to. Nay, not have to. Tell. Why? No. Kya? Because he's assisted Saroj ji itne saal pehle. Ji. Choreographer bane sir. To ek Indian side hai inka, jo shayad kisi ne bhi nahi dekha hoga. Except me. We want to see. No. And Archana ma'am, I'll tell you. You will feel के सरोज जी डांस कर रहे हैं. Oh my God! Oh, please, ये देखो, ये लोग. हम edit कर देंगे आप थोड़ा सा ऐसे ही. Please do it for सरोज. ठीक क्या बोली मालूम कान में? Do it for सरोज जी. Yes. Oh yeah. We all love सरोज जी. Come on. Ahmed, I love you, yeah. Thank you so much. अभी से रोए कपूर जी कैसे हैं आप? ठीक हो जी. कैसी हैं आप? आपको देख के बहुत अच्छी. अरे थैंक यू कपिल जी. नॉट यू, हिम. कैसे हैं आप? टिप टॉप. और शायरा जी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूं. और शायरा जी अहमद जी कैसे हैं? सामने बैठे ना, अहमद जी से पूछो ना. अच्छा बीवी के सामने बोल लेते हो? अच्छा नहीं, अच्छा जबान खुल जाती है. नहीं नहीं, अच्छी बात है, फिर तो बातचीत होगी हमारी. जबान तो खुलती है, आपकी धोती ना खुल जाएगी पहन के आए आप. नहीं मैं खाली बता रहा हूँ कि मैं बीवी के सामने बोल नहीं पाता. सारी बातें मुझे अंदर रखनी पड़ती हैं. तो आपको क्या लग रहा है ये बातें ही हैं? वरना आई एम 40% बॉडी फैट. वरना मैं कल अपना एक्सरे कराया, अंदर से आई एम अ स्केलेटन. रियली थिन स्केलेटन. सर मैं आपको एक पूछना रह गया अपने सर अहमद जी. तो आपको एसी रूम लगेगा, नॉन एसी लगेगा? खाने में क्या लेंगे आप, वेज नॉन वेज? सुबह ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं? ये सब उनको क्यों पूछ रहे हो? नहीं पिछले हफ्ते भी आए थे, इस हफ्ते भी आ गए हैं. परमानेंट हो गए हैं, रूम ले लो भाई. वकील साहब बात नहीं है, गर्मी में लेदर का जैकेट लेके कहाँ घूम रहे हैं आप? कैन आई हैव अ सीट? आपकी अपनी भी तो है, उस पर बैठ जाओ. बैठिए ना वकील साहब. ओके ओके ओके, बैठिए. अभी से रॉय कपूर जी जैकेट के बारे में इतना ही मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, इनको शायद पता नहीं है कि लेदर की जैकेट सिर्फ ठंड रोकने के काम नहीं आती है. करेक्ट. आज की टू देखी नहीं है लगता बंदे. और भी बहुत काम होते हैं जैकेट के. लेकिन सच में इस जैकेट के अंदर आपने जो रिलेशन के इमोशन में जो प्यार का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जो कंट्रीब्यूशन आपने दिया है, उससे बहुत सारा इंस्पिरेशन मैंने लिया है और उसी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन मैं करना चाहूंगा. क्या बात है. ये इंस्पिरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ये सब छोड़ो, अपना राशन कम करो, कॉन्स्टिपेशन ना करवा लेना. और आपकी एक बात के लिए मैं तारीफ करना चाहता हूँ. क्या? ये जो इतना बड़ा मुंह आप कंधों पे रख के रोज आते हैं, बहुत बड़ी बात है ये. यार कैसी बातें कर रहे हो? रोमांस है माहौल में, रोमांटिक बातें करो. हर चीज में रोमांस को खोजो. जैसे कल मैंने कांच के ग्लास में रोमांस को खोज लिया. ग्लास में कैसे? नहीं 290 ml के बनाए मैंने. तो बना के मैं नहाने चला गया. लवली लवली. शॉवर में रोमांस क्या हुआ? नहीं नहीं पूरी बात तो सुनो. मैं नहाने गया, वहां पे मेरा पैर फिसला, मुझे आई चोट. मैं गया अस्पताल. अस्पताल में नर्स ने आके कहा कि आपको जो है इंजेक्शन लगाना पड़ेगा. मैंने कहा तोहफा कबूलो.
तो उसने बोला नहीं तोहफा बोल के सोफा आगे कर रहे हो ये ये बात वो बोल नहीं पाई वो कपिल शर्मा नहीं थी ना हाय 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 मुझे एक बात पूछनी थी संजना जी ये जो कपूर्स होते हैं यू इंक्लूडेड जो जितने भी कपूर्स हैं इनमें मतलब ऐसी कोई अलग कमाल की बात होती है क्या क्यों क्या क्या हुआ क्या आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर से शादी कर ली यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ दिनों पहले वो यहाँ पर आई थी उनकी मुझसे मुलाकात हुई हंस हंस के खिल खिल के मुझसे बातें कर रही थी देखिए मुझसे नहीं मिली होती तो समझ में आता है कि भाई पता नहीं कि कूल डूड टाइप का हैंडसम आदमी क्या होता है तो कर ली शादी मुझसे मिलने के बाद इट्स अ लिटिल शॉकिंग मुझे तो लगता है कोई सामाजिक दबाव है वो खुश नहीं है शी इज नॉट हैप्पी आपको कैसे पता वो खुश नहीं है अरे अर्चना जी को नहीं बुलाया यार शादी पे मुझे नहीं बुलाया यहाँ पे दिनेश को नहीं दिनेश बुलाया था क्या आप लोगों का आलिया के साथ क्या रिलेशन है रिलेशन और प्रेशर बनाने से बनते हैं Wise words. आपका मुंह देख के लग भी रहा है आपका बना हुआ है अभी आपका नाम ना कपिल शर्मा नहीं होना चाहिए क्या? कपिल वर्मा होना चाहिए क्यों नहीं तो आप भी शो में आते बातें बातें सुनते एंजॉय करते थोड़ा हंसते हंसाते अपने घर चले जाते इस तरह टोका टाकी नहीं करते लेकिन ओम द बैटल विद इन के साथ में पढ़ा भी लेट करता हूँ अच्छा क्योंकि मेरे विदिन भी एक बैटल चल रहा है क्या बैटल कौन सा ये अपना बैटल है दिमाग और दिल के बीच मेरा दिमाग कहता है कि दामोदर वेट लूज करो यार फिट हो जाओ लेकिन दिल कहता है कि नहीं दामोदर ये सब मोह माया है खाना जो भी सामने दिखाई दे पेल दो तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई दिल की सुनूं yes, सुनते हैं आपको देख के लगता है दिल की सुनते हैं आप इसी बात पे वो शब्द शेर के मैं अर्ज करना चाहूंगा कितनी भी क्या कितनी भी कसरत कर लो एक दिन हर इंसान को ऊपर है जाना कितनी भी यो गेटिंग इट आप जोर ना लगाओ आपने डायपर भी नहीं पहना हुआ कितनी भी कसरत कर लो हर इंसान को एक दिन ऊपर है जाना ए छोटू दो ड्रम भर के मोमोज और एक बाल्टी चिल्ड बियर तो लाना क्या बात है थैंक यू हो गया चलिए क्या चलिए हो गया आपका नहीं मेरा कहाँ हो गया मेरी इनसे बातचीत ही नहीं हुई है प्लीज तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था संजना जी आपके एक भाई साहब जो है वो गूगल में काम करते हैं ये भाई के पीछे क्यों पड़ गए अगर आपके भाई गूगल में हैं उनसे एक सिंपल सा सवाल पूछ लेंगे मेरे लिए बिल्कुल आपके लिए कुछ भी ये गूगल की हिस्ट्री को डिलीट कैसे करते हैं देयर इज अ उसका आंसर है कौन सी हिस्ट्री डिलीट करनी नहीं देखो नहीं ऐसी नहीं गलत मत समझिए कि मैंने खाली गूगल पे सर्च कर लिया था कि हाउ टू वेयर योर जीन्स व्हेन योर वेस्ट इज 56 तो गूगल का जवाब आया डोंट वेस्ट माय टाइम लवली अगर आपके भाई जरा पता कर लेंगे जवाब किसने दिया है दिस इज वेरी रूड इट इज रूड ऐसे नहीं बात कर सकते मैं ना अभी अभी एक शर्त जीत के आया हूँ तो शर्त जीतने की खुशी में आपके साथ मैं एक डांस कर लूँ कौन सी शर्त जीत के आए कौन यही कि मैं संजना जी के साथ डांस करूंगा नहीं करेंगी वो डांस मतलब ऐसे तो यार फिर मैं शर्त हार गया हाँ तो शर्त हार गए आप नहीं ठीक है तो अगर मैं शर्त हार गया तो जिससे मैंने शर्त लगाई है वो तो जीता तो उसके जीतने की खुशी में हम डांस कर लेंगे देखिए 55 इंच के टीवी पे जब एक सुंदर लड़की सुंदर सा डांस करती है तो एक मजा तो आता है तो 55 इंच के टीवी में 50 इंच तो आप खा जाएंगे लड़की कहां 5 इंच में नाचेगी अब डांस करने दो यार पॉजिटिव ही होगा ऑलवेज आई एम सो चार्मिंग लुक एट यू यार हाउ कैन आई सी यू चार्मिंग यू कांट मिस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ चार्मिंग हैंडसम या हैंडसम डू यंग मैन बात है कि ना मुझे जो आपने ये अरे पुल कीजिए कर दूं आपकी नहीं आई विल मैनेज ही विल मैनेज सर जरा 1 2 3 बोलिए 1 2 3 ये लेट्स गो थैंक यू
चलिए फिर मुलाकात होगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, ओके ब्रो। अच्छा इस फिल्म में अहमद भाई शायरा भाभी दोनों प्रोड्यूसर हैं, हमारी जो जनता यहाँ पे बैठी है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है आदमी लोग जो होते हैं वो पैसा अच्छी तरह से संभाल सकते हैं या लेडीज, आप अपने अपने विचार पेश कर सकते हैं। जी भाई साहब। नमस्ते। हाय कपिल सर, क्या हाल है? हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मयूर जैन हूँ। अरे वाह डॉक्टर साहब, स्वागत है। किस चीज के डॉक्टर हैं? मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ जी। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा तो पूरा पूरा मानना है कि फीमेल्स ही घर का पैसा और घर अच्छे से संभाल सकते हैं। वेरी ट्रू। वजह उसकी? मेरे पास तो खुद का एग्जांपल है, मेरी वाइफ का। पर्सनल वाइफ है आपकी? हाँ जी पर्सनल वाइफ है। तो मैं फर्स्ट एनिवर्सरी पे बहुत महंगा गिफ्ट लेके आया उसके लिए। अच्छा, ये सोच के कि आई विल इम्प्रेस हर, बट उल्टा मुझे इतनी डांट पड़ी उस दिन। अरे अच्छा। तुम कितने का लाए? आई जस्ट सेड हर, मैं तो सच बोल दिया इतने का है। मेरे को इतना फायरिंग हुआ उस दिन कि तुम समझते हो कि कितना महंगा गिफ्ट लाए हो, कुछ डिस्काउंट नहीं लाए, ये क्या तरीका है, तुम तो घर डुबा दोगे। मैं उस दिन से साहब मैंने एक स्कीम बना ली, आज रोज आता हूँ, जो पैसा आता है वाइफ के पास दे दो। अभी 10 साल हो गए शादी को कपिल सर, मैंने एक भी बर्थडे और एनिवर्सरी पे उसको गिफ्ट नहीं दिया है। मैंने बोला तेरे पास दिया है, तिजोरी की चाबी तू ले, तेरे को लेना है। और तो और मैं काम करता हूँ लेकिन याद इसको रहता है यार, पिछले महीने वहाँ वो केस किया था एंजियोप्लास्टी, पैसा मिला क्या? उस अस्पताल ने दिया पैसा? नहीं दिया। कल उधर केस करके आया, पैसे का बात करके आया। मैं तो अपना काम करता हूँ, मैं पेशेंट की जान बचाता हूँ, वो आगे का देखो आप देख रहे हो। तो मेरा घर का सब पैसा भी जो बचा रहता किसी अस्पताल में, शी नोज। तो वो ये अच्छी बात है कि आपसे पूछते हैं, कहीं आपने पेशेंट लिटाया हो तो उभर नहीं आए, इससे पहले बोलो पेमेंट करे। आप ही बोले मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब शो में आने के लिए, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार रखना चाहते हो? जी भाई साहब। आपका शो एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, दोज हू गोस मंडे ऑन ऑफिस उसके दिमाग के डिप्रेशन को हटाता है। मेरा आने का मकसद यही था, और सर दूसरा आने का मकसद था मेरे लिए अर्चना मैम के लिए, इनकी जो सुंदरता है। क्या बात है, इनकी सुंदरता को, इनकी हंसी को आज तक इग्नोर किया गया है। आइए प्रमित सर, आइए आइए। इग्नोर किया गया है इनकी सुंदरता के लिए। एक गाना लिखा गया था 60 साल पहले। 60 साल पहले? यस। तब तो ये पैदा भी नहीं हुई थी। मैंने इसलिए उनकी उम्र नहीं बताई, मैंने गाने की उम्र बताई है। अच्छा जी। अगर सर आप इजाजत देते तो मैं 4 लाइनें डेडिकेट करता हूँ अर्चना जी के लिए। थैंक यू सो स्वीट। ओके, ये जो आपने आते ही तारीफ की कि शो बड़ा माइंड ब्लोइंग, ये सब बहाना बना रहे थे, मेन आपका काम इधर ही आए थे आप। पंचलाइन वहां थी, कुर्सियां तो इधर भी खाली थी भाई साहब, आप उधर ही घुस के बैठे हैं, इसीलिए हमने उनका टेबल, हमें भी पता है अर्चना जी हमारी बड़ी प्यारी है, भटक जाते हैं लोग। सर जी आपने अपना नाम नहीं बताया। सर मेरा नाम जयप्रकाश पुरोहित है, मैं मलाड से हूँ। पर उनकी तो शादी हो चुकी है अब। वैसे मलाड और मड आइलैंड काफी नजदीक नजदीक है, पर थैंक यू पुरोहित साहब, थैंक यू सो मच। वो जरा मेरे को वो वाला पार्ट हजम नहीं हुआ कि बहुत नाजुक और तुम और यू नो चला मत करो, बाकी सब ठीक था। शुक्रिया सर जी, शुक्रिया पुरोहित साहब। आइए सर, आइए आइए आइए। दोस्तों पूरे देश में बहुत तेज गर्मी पड़ने लगी है, इसलिए आप सबसे अनुरोध है अपने घरों के बाहर खिड़की पे छत पे बेजुबान पक्षियों के लिए जानवरों के लिए खाने पीने का सामान पानी दाना पानी जो भी आपसे हो सके वो जरूर रखें, और हो सके तो घरों में हो रही पानी की वेस्टेज को जरूर रोकें, क्योंकि जल है तो कल है। गुड नाइट, शुभ रात्रि। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.